वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज 30 तारीख है, मैं आया हूँ रायपुर। रायपुर में हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग है और ये आप होटल बेबीलोन इन का नज़ारा देख सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग होटल बेबीलोन इन में है, जो कि जस्ट रेलवे स्टेशन से पापाडी चौक आते हैं और पापाडी चौक के बगल में ही ये है। हमारी ट्रेनिंग यहीं हो रही है और मैं आपको लिए चलता हूँ ट्रेनिंग में। आप मेरे साथ बने रहिए और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। सुंदर नज़ारा है होटल का, दोनों तरफ प्लांट्स लगे हुए हैं और ये अच्छी बिल्डिंग आप देख सकते हैं, बेबीलोन इन। ट्रेनिंग होते होते लंच टाइम हुआ है, हम लोग लंच लेने आए। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम मुंगेली से, मैं वहाँ एज ए साइकोलॉजिस्ट पोस्टेड हूँ। कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसको जो फर्स्ट एड मिलना चाहिए, जो इलाज हम उसको एग्जामिनेशन कर लिए, जनरल एसिलेशंस बता रहा है, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं या तो सीधा सेक्सुअल असॉल्ट, अगर दो चीज हम सस्पेक्ट कर ले 19 इयर्स गर्ल है, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी ट्रीटमेंट पार्ट करेंगे। सबसे पहले उसकी कंडीशन लेकर लेके किस ऑफ में न जाके आई फ्रूट लगाएंगे ब्लीडिंग रोकने के लिए। सबसे पहले ट्रीटमेंट पार्ट कर रहे हैं, तभी अपन ने उनको अलग कर लिया है और जब वो कॉन्शियस हो जाएंगे उनके बाद हम अश्योर करेंगे कि हम आपको सुनने के लिए आए हैं। एक एज द वाइटल्स विल बी स्टेबल इन द पेशेंट कम्स टू द कॉन्शियसनेस, हम पुलिस को रिपोर्ट करें। ट्रेनिंग लास्ट सभी में है, आज पहला दिन है, 30 तारीख है। कॉन्फ्रेंस हॉल ये अंडरग्राउंड है, मैना सुबह फ्लोर में है, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग चल रही है और अंतिम समय में है। आज का दिन अभी लगभग 5:30 होने जा रहे हैं। ट्रेनिंग हमारी ख़त्म हो गई है और ये नीरो वन में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, ये पूरा खाली हो गया है, देख सकते हैं। और हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के डॉक्टर महेंद्र से भी हैं यहाँ पे और मैं भी निकल रहा हूँ। और सचिन जी कैसे हैं? बढ़िया है, हमारे मित्र लोग यहाँ बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे डॉक्टर रितेश सिंह भी इधर हैं और ये देखिए यहाँ का बैंक्वेट ऑफिस, हालांकि ये बुक नहीं है, मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ। ये यहाँ का नज़ारा। और आज मैं आज की ट्रेनिंग यहीं समाप्त होती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं, इधर भी एक नोहा आर्क है, यहाँ भी कॉन्फ्रेंस हॉल ही है। वेलकम के लिए डॉक्टर।
के थ्रू हमारे अंदर आती है कि मेरा अधिकार है कि मैं पीट सकता हूँ या जो भी है. सो ये सब इट इज बिकॉज ऑफ द सोशलाइजेशन. तो पैट्रियार्की इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया एंड ऑल्सो इन सब पर्टिकुलर एरियाज बहुत ज़्यादा. जैसे हरियाणा है तो भ्रूण हत्या है जो ये ज़्यादा वहाँ पर होता है. तो ये साउथ में थोड़ा कम है. छत्तीसगढ़ में जो मेरी जेंडर इक्वलिटी इज मच बेटर बेस्ट इन इंडिया. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. But women here are more assertive, I think, of their rights than other places. और equality है काफ़ी हद तक. कुछ ऐसी भी है भाई जैसे ड्रिंकिंग में भी वीमेन आर मैच करें. जो अभी हम जैसे पॉक्सो एक्ट की कार्यशाला हुई थी उसमें हमारा मेडिकल डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है. एक तो साइकोलॉजिकली जो उसका जो मेंटल टॉर्चर जो होता है फिजिकल के साथ साथ ट्रोमा से जो गुजर रहा होता है उसमें डॉक्टर्स कैन काउंसलर साइकोलॉजिस्ट कैन ओनली हेल्प. मेल है बच्चा है तो ये सब काम करेगा, क्या हो रहा है बाहर खेलेगा कूदेगा. फीमेल है तो घर पे रहेगी. ऐसा एक सोसाइटी डिसाइड कर लेती है. जनवरी 2023 सोसाइटी ने डिसाइड किया हुआ फिजियोलॉजिकल फिजिकल या फिर मेंटल या सेक्सुअल या इकोनॉमिकल उन्हें हार्म हो जाए. डॉक्टर नर्स साइकोलॉजिस्ट काउंसलर सभी मिक्स सेंस में. फिजिकल वायलेंस में फीमेल्स को छत्तीसगढ़ के सभी जिला से आए हैं. कंडीशन में वो आई है या किस कंडीशन से वो गुजर रही है. मैं एक उदाहरण आपको दूं. एक बार वन स्टॉप सेंटर को तो नहीं सीधे कॉल आया. हमारा जो विमेन हेल्पलाइन है आप सारे लोग जानते हैं विमेन हेल्पलाइन. मैंने अभी तक जितने केसेस देखे हैं उनमें मुझे ये समझ में आया कि बहुत दिनों तक उनको पता ही नहीं चल पाता है कि उनके साथ में क्राइम हो रहा है. हम लोग टारगेट करते हैं अगर तीन एज ग्रुप में छोटे बच्चों के साथ आजकल क्राइम बढ़ रहे हैं. असाल्ट का वायलेंस के बारे में एक बिंदु हम लोग हमेशा छूट जाता है वो है इमोशनल वायलेंस मेंटल वायलेंस. जी जी तो जनरली छूट जाता है कि हम ज्यादा टारगेट उस पर करते हैं. और खासकर हेल्थ सखी सेंटर्स आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज सखी सेंटर्स एक आईसी मटेरियल आपके ओपीडी में अगर आप लगा देंगे तो महिला को भी हो जाएगी शायद वो फोटो लेकर चली जाएगी. आप प्रोटेक्शन ऑफिसर का एक लिस्ट आपके ऑफिस में लगा दीजिए. मोमेंटम Leave the world around us.